मन को स्थिर कैसे कर सकते हैं? कितना भी कोशिश करें उस बुद्धि को कंट्रोल में लाने का होता ही नहीं है, तो ध्यान कैसे होगा? मेडिटेशन में कैसे जा पाएंगे? अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? यही सवाल अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था और यही सवाल जमुनालाल प्रजा जी ने रमण महर्षि से पूछा था। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हमारे पास जो बुद्धि है वो बड़ी अलग सी बुद्धि है, बाकी जानवरों में ये बुद्धि है नहीं। जब तक इसका डिफरेंस हम जान करके इसको तराशेंगे नहीं, तब तक ये बुद्धि हमको केवल परेशान करती रहेगी, जैसे हम सबकी ज़िंदगी में करती है। इसको आम भाषा में हम लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं, विचार चलते रहते हैं लेकिन कहीं हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो ये बुद्धि क्या है? जानवर की बुद्धि में और इंसान की बुद्धि में डिफरेंस समझिए। जानवर आसपास में जो कुछ भी होता है उस डाटा को अपने सेंसेस से अंदर लेता है और रिस्पॉन्ड करता है। उसको भूख लगती है, खाना दिखाई देता है, या तो खा लेता है या तो शिकार करके खा लेता है। इंसान ऐसा नहीं है। इंसान केवल आसपास की चीज़ों को देख करके रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो प्लान भी करता है। और केवल आधे घंटे का प्लानिंग नहीं करता, ये तो कई जानवर भी कर पाते हैं। ये बहुत दूर तक का प्लानिंग कर सकता है। ये जो डिफरेंस है अपने माइंड के ज़रिए, अपनी बुद्धि के ज़रिए, अपनी अकल के ज़रिए, अपनी इंटेलेक्ट के ज़रिए, अपने खुद के ज़रिए, दूसरे के ज़रिए नहीं, दूर तक सोच पाना, प्लान कर पाना, ये इंसानों के अंदर में है। और इसी बुद्धि को यूज़ करके इंसान सक्सेसफुल तो होता ही है, लेकिन एक चीज़ उसके लाइफ में आती है जिसको हम लोग इच्छा बोलते हैं, डिज़ायर बोलते हैं। जानवरों के अंदर में डिज़ायर नहीं होती, जानवर के अंदर में केवल इंस्टिंक्ट होती है, भूख और खाना। डिज़ायर बड़ी अलग चीज़ है। डिज़ायर एक ऐसी चीज़ होती है जो हम अपने मन में कई दिन तक, कई महीने तक रख सकते हैं। इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो अंदर से परेशान करती हैं, जलाती हैं, पूरी हो जाती हैं तो फ्रस्ट्रेट करती हैं। ये भी बड़ी ख़ास पॉइंट है, क्योंकि सारी की सारी डिज़ायर्स एक जैसे नहीं होती हैं। जो इस बात को समझ गया उसके लिए अपने मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। हज़ारों डिज़ायर्स हमारे मन में आती हैं, लेकिन उन सब में से एक डिज़ायर है जो बाकी डिज़ायर से काफ़ी अलग है, बहुत बहुत अलग है। इनफैक्ट उसको डिज़ायर कहना भी लोगों ने सही नहीं समझा है, उसको अलग नाम देने की कोशिश की है। उसको कॉलिंग कहा है, अर्जेंसी कहा है, उसको सीकिंग कहा है। डिज़ायर क्या है? जब मन कुछ चाहता है उसको पाने के लिए कोशिश करता है, बहुत बहुत इंतज़ाम करता है और पा जाता है। और बार बार ऐसे कोशिश करने के बाद जब उसके मन में एक तरह की एक समझ डेवलप होती है, तब वो देखता है कि जो भी हम डिज़ायर्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं उससे हमको केवल कुछ टाइम के लिए तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। ये ऐसा है जैसे कि आपने कुछ ऐसा भोजन किया जिससे केवल 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आपकी भूख शांत हुई, उसके बाद फिर से भूख लग गई। तो शायद भूखा आदमी अगर पानी पिए तो पेट भर जाता है लेकिन भूख शांत नहीं होती। ऐसे ही हमारी डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन इन डिज़ायर्स में से एक डिज़ायर ऐसी होती है जो बाकियों से बहुत अलग होती है। उसको मैं कहता हूँ डिज़ायर्स का यू टर्न होना, इच्छाओं का यू टर्न होना। हमारी जो भी डिज़ायर्स होती हैं वो बाहर की होती हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा परिवार, नाम, शोहरत, ये सब का सब बाहर का डिज़ायर्स है। और जो भी इन चीज़ों को पाने की कोशिश करता रहता है, बदलता रहता है, उसकी लाइफ में अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यही बुद्ध के साथ हुआ। उनको दिखाई दे गया कि मैं कुछ भी करके अपनी इच्छाओं को पूरी करके भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर अल्टीमेटली मुझे मौत पाना ही है, अगर मुझे मरना ही है, अगर मुझे बीमार होकर के बूढ़ा होना ही है, तो इस डिज़ायर को फुलफ़िल कर पाना अपने आप में बहुत समझदारी का काम नहीं है। उसके बाद से उनके अंदर में एक नई डिज़ायर चालू हुई और वो थी, बल्कि सीकिंग कहना चाहिए, ये वही बुद्धि करती है जिस बुद्धि के हेल्प से हम लोग आज परेशान हो रहे हैं, हम अपने आप को अस्थिर बोल रहे हैं, हम कन्फ्यूज्ड बोल रहे हैं। यही बुद्धि जब यू टर्न ले लेती है तब हमारा माइंड एक डायरेक्शन पकड़ता है, एक सही दिशा पकड़ता है। लेकिन अभी भी केवल यू टर्न पकड़ा है और क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सब लोग हज़ारों बार अपने आप से पूछ चुके होंगे ये चीज़ जो बुद्ध ने अपने आप से पूछा था और बहुत से गुरुओं से पूछा था कि मैं कौन हूँ। अब ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर केवल सोचने से नहीं आ जाता,
विचार अपने आप में एक एक टाइपराइटर की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह, जिस पे आप कुछ टाइप तो कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर सोच नहीं सकता आपके लिए। अगर उसको अच्छे से अच्छे इंटरनेट कनेक्शन दे दी जाए, गूगल के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाए, पूरी दुनिया का कनेक्शन उसको दे दिया जाए, लेकिन फिर भी सोच विचार करने की एबिलिटी इस कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। ऐसे ही हमारी थॉट्स में, जब तक वो फ्री है, जब तक वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, तब तक देखने में वो फ्री है, लेकिन यही उसकी उलझन है, यही उसकी फ्रस्ट्रेशन है। यही तो आप पूछ रहे हैं कि मन स्थिर नहीं हो पाता। स्थिर नहीं हो पाता मतलब वो कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाता, खुश नहीं हो पाता। इतने भी समझदार लोग हुए हैं जो थोड़ी बहुत गहराई में जा पाए हैं, उन्होंने देखा है कि ज़िंदगी में जो लाइफ की मूवमेंट होती है वो ग्रॉस से सटल की तरफ होती है। जैसे काम धाम जो भी करते हैं हम लोग, ग्रॉस काम होता है, मजदूरी का काम होता है, बॉडी से काम करते हैं जिसमें हम, और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो दिमाग से काम करते हैं, उसमें हम थॉट्स को मूव करते हैं, थॉट्स को कहीं से उठाते हैं और कहीं यूज़ करते हैं। एक वकील क्या है, थॉट्स का इस्तेमाल करने वाला इंसान है। और बहुत से हम में से लोग हैं जो अपने शारीरिक श्रम के ज़रिए काम करते हैं। तो ये क्या है, ग्रॉस से सटल की तरफ मूवमेंट। और यही चीज़ काम करता है जब हम अपने माइंड को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत बार खुशी मिलती है लेकिन वो ग्रॉस है, वो बहुत भारी भरकम है, खुरदुरा है। और चूंकि फिज़िकल वर्ल्ड में हर चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, इसलिए कितना भी ग्रॉस को पकड़ करके हम पाने की कोशिश किए, वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है, और उसके साथ हमारा खुशी मिलने की, सेटिस्फैक्शन मिलने की जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम सटलिटी की तरफ बढ़ते हैं, अपने अंदर माइंड के अंदर में सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ऐसे आप देखेंगे आपके अंदर चीज़ों को गहराई से काटने की, अपनी समझ से गहराई से काटने की एक एबिलिटी डेवलप होती है। और ये एबिलिटी को भी आपको डेवलप करना होगा, चेक करने के लिए, समझने के लिए कि कौन सी चीज़ प्रेशियस है और कौन सी चीज़ यूज़लेस है। क्योंकि जिस आदमी का दिमाग ये कहता है कि सारे विचार एक जैसे हैं, जिसको लगता है कि सारे एक्शंस एक जैसे हैं, जिसको लगता है कि कुछ भी करो कोई गलती नहीं है, वो अभी भी ज़िंदगी के नियमों को, कर्म को समझ नहीं पाया है। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ लॉ है, हर चीज़ एक कॉज एंड इफ़ेक्ट है। तो जो आदमी ये नहीं समझ पाया कि मेरे इस एक्शन की वजह से ये रिज़ल्ट होगा, इसका मतलब अभी भी उसका मन या उसकी बुद्धि अस्थिर है, उसके अंदर में स्थिरता नहीं आई है। स्थिरता नहीं आई है मतलब वो ये नहीं देख पा रहा है कि जब मैं इस आदमी से ये बात कहूँगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आप देखिए, अपने घर में अगर आप अपने बच्चे से, अपनी वाइफ से, अपने नौकर से, अपने मालिक से, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, उनसे जब आप एक ऐसा शब्द यूज़ करते हैं जो भारी भरकम होता है, लोडेड होता है, बहुत नेगेटिव होता है, तो उसका एक असर होता है। उस असर को जो लोग नहीं देख पाते, वो लोग ये कहते हैं कि हमने तो खाली ऐसे ही उनसे बोल दिया था, वो नाराज़ हो गए। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो, हम लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा मतलब नहीं था ये बोलने का, जो गलत समझ गए आप। लेकिन सामने वाला गलत तब समझता है जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको क्यों नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि अभी भी हमने अपनी इस बुद्धि को सटल नहीं किया है, सूक्ष्म नहीं किया है। ये जब तक आप अंदर की जर्नी स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं जो कई जन्मों के एफर्ट के बाद उनके अंदर में बुद्धि का तीखापन आ जाता है, और फिर भी एक ख़ास चीज़ के लिए इस बुद्धि को यूज़ करना चाहिए, इस अकल को यूज़ करना चाहिए, वो लोग नहीं करते हैं। तो सक्सेसफुल तो हो जाते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में, बहुत पैसा कमा लेते हैं, नाम कमा लेते हैं, शोहरत कमा लेते हैं, लेकिन चूँकि उनको ये नहीं एहसास होता कि इस नाम, पैसे और शोहरत का अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में कोई और चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसी को पहचानना है। स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना। लेकिन इसमें रियलाइजेशन शब्द को थोड़ा समझिए। जब भी आप किसी इंसान को देखते हैं, उसको पहली बार देखते हैं तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन दो तीन बार, चार बार देख लेते हैं तो पहचान जाते हैं। किसी रोड पर आप जाते हैं तो पहली बार उस रोड को आप नहीं जानते, लेकिन बार बार चलने से आप पहचान जाते हैं। आजकल तो हम लोग इस नए बिल्डिंग में आए हैं तो हम लोग अभी तक मेमोरी में ये चीज़ स्टोर नहीं हो पाई है कि चाबियाँ कहाँ रखी हैं, किताबें कहाँ रखी हैं, बिकॉज़ हर चीज़ का एक नया जगह बनाया जा रहा है। ऐसे ही हमारे माइंड में जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको या तो पहचानते हैं या तो नहीं पहचानते हैं। ये चीज़
प्लीज़ समझिए, बिकॉज मेमोरी का यही यूज़ होता है। तो जो इंसान अपनी लाइफ में पहचानना और नहीं पहचानने के डिफरेंस को नहीं समझ पाता, वो हर चीज़ करता है, वो कहता है हर चीज़ करो और हर चीज़ को इन्जॉय करो। अब यहाँ पर ख़तरा चालू हो जाता है, बिकॉज हर चीज़ आपको फ्री नहीं करेगी, हर चीज़ आपको स्थिर नहीं करेगी। स्थिर होने के लिए सबसे पहले तो हमारे माइंड को शार्पन होना पड़ेगा। जैसे कोई कलाकार है, म्यूजिशियन है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से उसकी आवाज़ शार्प होती है। कोई तलवार चलाने वाला माहिर है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी बॉडी में वो मसल्स उस तरह के एक्टिव रहेंगे, अजाइल रहेंगे। ऐसे ही हमारी बुद्धि को भी रेगुलर प्रैक्टिस के ज़रिए, जैसे हम लोग जनोगा में समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उन प्रैक्टिसेस के ज़रिए हमारा माइंड अवेयर रहेगा, शार्प रहेगा, सटल रहेगा, उसकी धार रहेगी, और ये धार की वजह से ही वो दुनिया में चीज़ों को पहचान पाएगा और सूक्ष्मता के तरीके से पहचान पाएगा कि कौन सी चीज़ नहीं। जैसे आप कपड़ा देखने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि ये कपड़ा मैं खरीदूं या ये कपड़ा खरीदूं। अगर आप खुद से नहीं पूछेंगे, दूसरे किसी से पूछेंगे, तो सच पूछे तो आपको समझ आएगा नहीं कभी भी। मुझे याद है जब मैं पहली बार शर्ट की पीस खरीदने गया था, इसी शर्ट की पीस, तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे एक ऐसा कपड़ा चाहिए जो सिंपल हो और एक बार प्रेस करने से उसके अंदर में प्रेस बार बार करना ना पड़े, बिकॉज बहुत से कॉटन के कपड़े हम लोग खरीदते हैं तो उसमें बार बार प्रेस करना पड़ता है। तो इस तरह से जब आप अपनी बुद्धि लगा करके चीज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे, तब जा करके आपको एहसास होगा कि कुछ थॉट्स बाकी थॉट्स से बहुत अलग है, और वो थॉट्स आपके नहीं होते, वो थॉट्स कतई आपके नहीं होते, वो थॉट्स फ्री थिंकिंग नहीं होती। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि मैं फ्री थिंकर हूँ ना, वो थॉट्स फ्री थिंकिंग से नहीं आते हैं, वो थॉट्स कहीं और से आते हैं। उसको हायर सेल्फ बोल दीजिए, उसको सुप्रीम पावर बोल दीजिए, उसको गॉड बोल दीजिए, कुछ भी कहिए, और वो थॉट्स भी नहीं होते हैं, वो आते हैं कुछ हश करके, लेकिन हमारी बुद्धि उसको थॉट्स के रूप में समझती है। बहुत से लोग उसको महसूस करके फीलिंग बोलते हैं, बहुत से लोग उसको समझ करके, लेकिन बाद में किताबों में लिखी गई हैं, उसी से बड़ी बड़ी बाइबल और कुरान और गीता के रूप में कही गई हैं, लेकिन ये सब की सब आती कहाँ से हैं? हायर सुप्रीम बीइंग से। लेकिन उसके लिए हमारे इस माइंड को अवेलेबल होना पड़ेगा। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे हम सब का माइंड बहुत बहुत बिजी होता है, अस्थिर होता है, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, उसको अभी भी पता नहीं है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है जिसके बारे में सोचना नहीं है, अवेलेबल होना है। और ये अवेलेबिलिटी कैसे आती है? रियाज के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए, महीनों सालों जन्मों की प्रैक्टिस के ज़रिए। जो एक कृष्णमूर्ति या एक रमण महर्षि हमारे सामने आते हैं, ये केवल एक जन्म का रिजल्ट नहीं है, ये कई जन्मों तक इन्होंने अपने माइंड को रियाज के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए अवेलेबल कराया है उस सुप्रीम पावर के लिए। बचपन में हमने कहानी सुनी है, बहुत ही यंग एज में कृष्णमूर्ति ऐसी स्टेट पर रहा करते थे जैसे उनके अंदर में सेल्फ ही नहीं है, या रमण महर्षि को बहुत यंग एज में एक छोटी सी किताब पढ़ के अपने अंदर में सेल्फ में चले गए। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका माइंड कई जन्मों का प्रैक्टिस की वजह से इतना ज़्यादा अवेलेबल था कि वो तुरंत कर ऐसा हो गया जैसे कि एक आग लगी पेट्रोल में। तो जैसे एक पेट्रोल में इनफ्लेमेबिलिटी होती है, ऐसे ही हमारे तीखे माइंड में, एक शार्प माइंड में, एक्सट्रीमली समझदार, मैं पढ़ाई वाली समझदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे शांत माइंड की बात कर रहा हूँ जो रियलाइज़ करता है, जो जानता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बाकी सबसे। ऐसा आदमी, एक आदमी जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रहा है? अपनी रूटीन की प्रैक्टिस कर रहा है, अपने मन को साधने की प्रैक्टिस कर रहा है, अपने आप को शांत रखने की प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा आदमी की बुद्धि मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर बुद्धि का साइन क्या है पता है? कि वो अब चुप रहता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है, बस वेट करो, और जब इनसाइट आती हैं तो बस उन्हीं को सुनता है, उन्हीं को बोलता है, और उन्हीं को जीता है। ये होता है एक साधक जिसकी साधना एक रूप ले रही है, फूल खिल जैसे खिलता है, फूल खिलता है, ऐसे उसकी साधना खिल रही है। जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मन अस्थिर है, इसका मतलब ये है कि आपकी रूटीन अभी भी बिगड़ी है, इसका मतलब ये है कि आपका मन या बुद्धि अभी भी ऐसे चीज़ों को पकड़ करके सोच रहा है जो उसके लिए बहुत यूज़फुल नहीं है। और ये तो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, इन जनरल जब आप
रोज़मर्रा की नौकरी की काम कर रहे हैं उसमें भी हमारा माइंड ये नहीं समझ पाता कि किस चीज़ के बारे में सोचना है, किस चीज़ के बारे में हमको कुछ करना है। हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ों को पकड़ करके विचार करते रहते हैं जिसका हमारे ऊपर कोई जोर नहीं है, जिसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे अगर हमारी नौकरी जाने वाली है, रिसेशन आने वाला है या कोई बीमारी आने वाली है, तो जब हम वो चीज़ें सोचते हैं तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आदमी समझदार हो जाता है, समझदार मतलब जब आदमी शांत हो जाता है, तब वो समझ पाता है कि मुझे किस चीज़ के बारे में सोचना है। क्योंकि वो सोच फिर सोच नहीं रह जाती, वो चिंता नहीं होती है, फिर वो तुरंत एक्शन बन जाती है। आज मैं देखता हूँ मेरा माइंड क्या करता है, केवल सुप्रीम के लिए वेट करता है, सुप्रीम उसको यूज़ करता है। इसी को तो कृष्ण ने कहा था कि निमित्त मात्र बनो अर्जुन, मैं तुम्हें अवेलेबल हूँ। कृष्ण कोई इंसान नहीं थे, अर्जुन उनके मित्र नहीं थे, अर्जुन एक रिसेप्टिव इंस्ट्रूमेंट थे, एक पात्र थे जिसमें कि कृष्ण की एनर्जी फ्लो कर रही थी। मैं चाहता हूँ अपने दिमाग में इस तरह का कन्फ्यूजन मत लाइए, कोई फ़ोटो मत ले आइए, कोई बांसुरी मत ले आइए, बट ये समझिए कि मैच्योर माइंड कैसा होता है जो रियलाइज़ करता है कि विचारों का एक ही पर्पज़ है कि वो सुप्रीम लॉर्ड या सुप्रीम बीइंग के मैसेजेस को रिसीव करके बोल सके। उसके अलावा बाकी सारे विचार केवल फॉर्मल होते हैं। बैंक जाना है, बैंक में साइन करना है, पैसे निकालने हैं, कुछ सामान खरीदना है, ये सब का सब एक ऐसे लेवल का माइंड होता है जिसमें इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेन प्रॉब्लम आती है जब हम अपने आप को फ्री थिंकर के रूप में इन्जॉय करते हैं, लेकिन एक फ्री थिंकर बेचारा नहीं समझ पाता कि क्या चीज़ अल्टीमेट है, कहाँ से सोर्स कहाँ से है, कहाँ से उसको इंसाइट आनी है। लेकिन वो माइंड जो इस चीज़ को समझ लेता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है शांत रहना, बिकॉज इसी शांत झील में ट्रूथ दिखता है। ये शांत झील तब तक नहीं हो पाता जब तक हम किसी भी तरह के एक्टिविटी में अपने आप को परेशान कर रहे हैं, जब तक कोई भी और चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने मन की शांत रिसेप्टिविटी से, तब तक गॉड या सेल्फ उस डिस्टर्ब्ड स्टेट में, एक झील होती है ना, झील में जब बहुत ज़्यादा लहर होती है तो उसमें सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही इस इंटेलेक्ट का एक ही काम है कि कैसे वो सेल्फ के लिए वेट कर सके, शांत रह सके। तो स्थिर माइंड वो माइंड नहीं है जिसमें कि कोई थॉट नहीं आते। स्थिर माइंड वो माइंड है जो पेशेंटली वेट कर पाता है, साइलेंटली वेट कर पाता है ट्रूथ के लिए, गॉड के लिए अपने अंदर से एक्सप्रेस होने के लिए। उसको समझ में आ गया है खुद हाथ पर हिला करके कोई फ़ायदा नहीं, एक बहुत सुप्रीम एनर्जी है जो हमारे थ्रू काम करना चाहती है, बस हमको साइलेंटली उसके लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। वो इंटेलेक्ट ये भी समझ चुका है कि अपनी मेहनत से, अपने फ्रीडम से उसको ये सब नहीं मिलने वाला, केवल प्रसाद के रूप में मिलता है, ग्रेस के रूप में मिलता है। जिसको रियलाइज़ हो जाता है वो केवल एक धन्यवाद की फीलिंग और पेशेंस के साथ अपने थॉट्स को शांत रहने देता है। क्योंकि थॉट्स भी हमारे हाथ पैर की तरह ही हैं, जितना चलाएंगे उतना चलते हैं, हमने कभी उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। जब हम जनुवा को सीखते हैं तो पता चलता है कि बहुत सी ऐसी सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए हमारे थॉट्स शांत हो जाते हैं। ऐसे ही पीसफुल थॉट्स को अल्टीमेट रियलाइजेशन होता है कि उसको बस एक ही काम करना है, शांत रहना है और उस सुप्रीम को अपने अंदर के ज़रिए, अपने थ्रू एक्सप्रेस होने देना है बस।